फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक मल्टीमीटर चलाना। ये मल्टीमीटर आमतौर पर आपको हर जगह देखने को मिल जाता है, या फिर हर दुकान पे या फिर हर घर में देखने को लगभग मिल जाता है, अगर कोई लाइट का काम करता है तो। ये मल्टीमीटर बहुत ही कॉमन है, क्योंकि बहुत ही सस्ते आते हैं, और हम आपको इसे चलाना बताने वाले हैं, कैसे चलाते हैं। और अगर आप काम करना सीख भी रहे हैं घर में, तो ये मल्टीमीटर ज़रूर से ख़रीदें, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एम्पियर, डीसी एम्पियर, मतलब एसी एम्पियर नहीं, डीसी एम्पियर चेक हो सकते हैं, और कंटिन्यूटी भी यहाँ पे चेक हो जाए, डायोड चेक हो जाता है। और इसमें जो है आपका जो है ट्रांजिस्टर जो होता है HFE जो लिखा है, कलेक्टर बेस एमिटर, NPN और PNP दोनों चेक हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर रजिस्टेंस जो है आपका ओम से लेकर किलो ओम्स तक चेक हो जाता है, 2000 किलो ओम्स तक इसकी रेंज है। और वोल्टेज में आपको इधर आपके डीसी का रेंज है, इधर ये एसी का, देखिए सैम्बल भी बना हुआ है, ये डीसी एम्पियर के लिए हैं। और आपको मैं बता दूं, ये ब्लैक वाली आपको कॉमन पे रखनी है, और जो रेड वाली है इसे आपको जो है ओल्ट ओम्स मिली एम्पियर पे रखनी है। अगर आपको डीसी के एम्पियर चेक करने हैं, 10 एम्पियर तक ये चेक कर पाता है, तब आपको इसको निकाल करके इसमें लगाना है, और वो भी सीरीज पे, तब ये आपका एम्पियर बताएगा। और अधिकतर यूज़ तो इसका बहुत ही कम होता है। और अगर हमें डीसी के वोल्टेज चेक करने हैं, तो हमें यहाँ पे इसको एक नीचे और एक यहाँ पे वोल्ट ओम्स मिली एम्पियर पे लगाना है, और यहाँ पे जो है 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 1000 वोल्ट। मतलब अगर आपको घड़ी का सेल चेक करना है, तो आप इसे 20 में लगा के चेक करिए। अगर आपका मोबाइल की बैटरी है छोटी, जो कि 20 वोल्ट के अंदर है, 12 वोल्ट इन्वर्टर बैटरी है कोई भी है, तब भी ये 20 में ही लगा के चेक होगा। अगर आप टीवी वगैरह रिपेयरिंग करते हैं, या फिर इन्वर्टर वगैरह, अगर उसमें ज़्यादा वोल्टेज डीसी के हैं, तो यहाँ पे आप 200 पे लगा के चेक करिए। 200 से भी ज़्यादा है तो 1000 पे लगा के चेक करिए। मेन कहने का मतलब कि मकसद ये है कि इसमें अगर आपको जितना वोल्टेज का चेक करना है, उससे अंडर का ही आप इसमें लगाइए। मतलब अगर आपको 150 वोल्ट डीसी चेक करनी है लगभग, तो आप 200 वोल्ट पे लगा के चेक करिए। इस तरीके से होता है। अगर आपको घर की मेंस लाइन चेक करनी है, तो आप यहाँ पे 750 वोल्ट एसी पे लगा के चेक करिए, ना कि 200 वोल्ट पे। इसे आप जो 750 वोल्ट एसी पे लगा के चेक करिए। तो मेन यही दो यूज में आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम ओम्स वगैरह चेक करने के लिए होते हैं, रेजिस्टेंस का, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ये बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, देखिए मैंने लगा दिया है। और अब हम इसको देखिए, यहाँ पे दोनों को शॉर्ट करते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये बीप की ये साउंड दे रहा है, और इस तरीके से 001 दिखा रहा है, 1 ओम से वायर का दिखा देता है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें ये HFE का, इसमें जो है आप ट्रांजिस्टर लगा के चेक कर सकते हैं, जो NPN और PNP इस तरीके से लगाना है। और जनरली यूज AC और DC का ही आता है। तो मैंने आपको देखिए मात्र 2 मिनट में मल्टीमीटर चलाना सिखा दिया है। मैंने और भी वीडियो इसकी डाली है चलाने की, तो वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना होता है कि अगर बैटरी का चेक करना है, तो लाइट में मतलब कि AC पे सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, DC पे ही सिलेक्ट होना चाहिए। और अगर DC चेक करना, मतलब AC चेक करना है, तो AC पर ही होना चाहिए, DC पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मल्टीमीटर जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो ये रिपेयर भी जल्दी नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत फॉल्ट होता है, रिपेयर होते नहीं तो फेंकने लायक ही हो जाते हैं, यूज एंड थ्रो होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।